गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए, बहुत बेहतरीन करने वाला क्लास में धान सर आपका स्वागत करता हूं। आप हिंदुस्तान के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर जल्दी से जल्दी आ जाइए। परसेंटेज का क्लास लगातार चला हुआ है, आज क्लास नंबर 5। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, जल्दी से जो नया बच्चा है वो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो हमारा पुराना बच्चा जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर करने में देर मत लगाया करो भाई। जल्दी से बहुत गर्दे वाले क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। पहले होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन नया सीरीज नई टाइप्स में लेकर आया हूँ। SSC बैंकिंग सभी एग्जामिनेशन के लिए जल्दी जल्दी एक बार वॉइस को थम्सअप करके बताए क्या मेरा आवाज क्लियर आ रहा है। शेयर कर दे, और जो हमारा पुराना बच्चा जल्दी जल्दी भाई एक बार थोड़ा सा थम्सअप करके ना एक बार ये बता दे। जय श्री राम लिख दो भैया, जय श्री राम, जय महाकाल, बहुत बढ़िया। जय श्री राम भाई, फटाफट शेयर कर दो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपके डिमांड पर स्पेशल बैच आ चुका है, कंप्लीट मैथ स्पेशल बैच है माय डियर। SSC के लिए, रेलवेज के लिए है, ऑल एग्जामिनेशन के लिए स्पेशल बैच है, अर्थमेटिक एडवांस का बैच है मेरे प्यारे बच्चों। और ये 20 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 20 अगस्त फ्राइडे से होगा बेटा, ये फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है, शनिवार से नहीं है, फ्राइडे। आज कितना हो गया, आज 18, 19 और 20, ये फ्राइडे से स्टार्ट होगा बेटा, फ्राइडे नहीं सैटरडे नहीं, फ्राइडे से स्टार्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मात्र 2 दिन बचा है, ये बहुत बेहतरीन बैच है आपके लिए। और मेरा कोड यूज़ करें, धात सर मेरा कोड यूज़ करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो बैच आपको पड़ेगा ईयरली, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं एक साल का लेते हैं तो मेरे बच्चे 5,500 का, आफ्टर मेरा जब कोड लगाओगे 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप अनअकैडमी के पुराने स्टूडेंट हैं तो 10% का आपको क्रेडिट मिल जाएगा, 10% तो आपको ये मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 10% का क्रेडिट, 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 600 रुपये का डिस्काउंट और मिल जाएगा, तो अप्रोक्सीमेशन 48 रुपये का। एक साल तक मेरा जितना बैच आएगा सब आपको फ्री पढ़ाया जाएगा, ये होता है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और जितने टीचर भाई जल्दी से लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए, महाकाल का आशीर्वाद। गर्दा मचना चाहिए, गर्दा 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 गर्दा, शाबाश। ये हमारा शेड्यूल है रेगुलर क्लास जो हमारा चलता है भैया, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना भैया। ये आपका अनअकैडमी का शेड्यूल है, फ्री क्लास का मेरा शेड्यूल है मेरे प्यार बच्चों। इसके बाद जो मेरी क्लास होगी वो 10 बजे क्लास होगी, 10 PM पे मेरी क्लास होगी, बहुत शानदार और गर्दे वाला क्लास है मेरे प्यार बच्चों। लाइक और शेयर दबा के ठोक दिया करो। चलो भाई, ये आपका रेफरल कोड है मेरे प्यारे बच्चों, धांसू सर। रेफरल कोड क्या है हमारा, धांसू सर, DHASU धांसू सर। स्पीड के साथ चलते जाइए भाई अनअकैडमी पर। जब आप मेरे को फॉलो करोगे, बच्चा बार बार कहता है भैया सर आपको किस नाम से फॉलो करो, भैया धांसू सर अनअकैडमी पे दलवी नागर के नाम से है, मेरा टेलीग्राम भी दलवी नागर के नाम से है। कितना स्टूडेंट है वहाँ पे, 12,000 प्लस स्टूडेंट वहाँ पे जुड़ चुका है, आप भी वहाँ पे जुड़ जाइए। सारे PDF PPT मैं वहीं पे डालता हूँ, ये मेरा चैनल है भैया, इसको भी सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे रेगुलर क्लास आपको मिलेंगे, बैंकिंग का शो लेके आ रहा हूँ सुबह 10 बजे, बैंकिंग के लिए, UPSI के लिए सुबह लेके आऊँगा, सुबह शो लेके आ रहा हूँ, तो भैया बहुत शानदार क्लास यहाँ पे चलने वाली है। जय महाकाल, जय श्री राम, आज तो गर्दा है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। मैथ्स बाय धांसू सर, बहुत शानदार क्लास मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स बाय धांसू सर। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जुड़ जाइए भैया, PPT PDF यहाँ मैं शेयर करने वाला हूँ, बहुत गर्दे वाला क्लास होगा भाई। देख धांसू सर सब्सक्रिप्शन के लिए क्या कोड लगाएंगे, धांसू सर कोड लगाएंगे भैया क्वेश्चन पर। क्लास नंबर 5 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर पर लगा देते भैया, क्वेश्चन आ चुका है। होमवर्क का क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, पहले हम होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भैया। टाइमर के साथ मैंने दिया था, टाइमर दे देता हूँ, होमवर्क का क्वेश्चन है वैसे तो, ये लीजिए टाइमर, 30 सेकंड का टाइमर है भैया, जल्दी से 30 सेकंड, ओनली फॉर द 30 सेकंड, एक बार ट्राई करके देख लीजिए व्हाट इज द राइट आंसर। कल होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, बहुत शानदार क्वेश्चन था होमवर्क का क्वेश्चन, यहाँ से शुरुआत कर देंगे। धाकड़ सवाल पढ़ेंगे, धांसू सर का मतलब धांसू सवाल, हाँ धांसू सर का मतलब भैया धांसू सवाल से शुरुआत, हमारी शुरुआत किससे होगी, धांसू सवाल से होगी, धांसू सवाल से हम शुरुआत करेंगे भैया, धांसू सर मतलब धांसू सवाल। चलो भाई बनाइए, पहले सवाल से थोड़ा पसीना निकालिए, शाबाश 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 शाबाश, गर्दा गर्दा गर्दा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ब्राजील की जनसंख्या 10% की जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करती है, बहुत बढ़िया। फिर बचे हुए भाग का 10% जनसंख्या अमेरिका चली जाती है भैया, जैसे 10% जो है ऑस्ट्रेलिया चली जाती है मेरे प्यार। ब्राजील की जनसंख्या अब 364,500 है, औरतें शेष बस्ती हैं भाई, औरतें शेष बस्ती है मेरे प्यारे बच्चों। फिर कहता है दिया गया ब्राजील में पूर्व औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या का 1/2 भाग है, तो अपरिवर्तित रहता है, तो बताइए प्रवास के पूर्व ब्राजील की जनसंख्या कितनी है, ब्राजील की जनसंख्या बतानी है, ब्राजील की जनसंख्या, बहुत बढ़िया शानदार। लाइक और शेयर दबा के ठोक दो भैया, लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। चलो भाई देखो, टाइमर महोदय को उधर ले आते हैं, देखो क्वेश्चन का एक बार सीक्वेंस पढ़ लीजिए, मैंने आपको ये तरीका सिखाया था। सबसे पहले जो परसेंटेज वैल्यू, एक परसेंटेज वैल्यू 10 है, फिर ये 10 है और ये 10 है, 10% 3 बार लिखा हुआ है, 10 10 10, प्रवास कर रहा है, छोड़ के जा रही है, प्रवास करने का मतलब माइग्रेट कर रहा है, मतलब छोड़ के जा रहे हैं, ठीक बात है कि नहीं है। तो सबसे पहले 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 सभी को पता है, ठीक बात है कि नहीं। अब बेटा इसमें क्या करना है, इनिशियल पॉपुलेशन और आफ्टर द माइग्रेशन, ठीक बात है कि नहीं। इनिशियल पॉपुलेशन मैं लिख देता हूँ, इनिशियल पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ और आफ्टर द माइग्रेशन,
आफ्टर द माइग्रेशन इनिशियल पॉपुलेशन। देखिए इनिशियल पॉपुलेशन कितनी होगी भैया 10, और माइग्रेट कर रहा है तो 1। मैंने बताया डिनोमिनेटर को एक्चुअल वैल्यू माना जाता है। इनिशियल पॉपुलेशन होगी 10 और 1, 1 माइग्रेट कर रहा है तो 10, 10 में से 1 माइग्रेट करेगा तो भैया कितना बचेगा, छोड़ के चला जाएगा 9। पहले 10 था जनसंख्या, एक आदमी छोड़ के चला गया 9 हो गया। पहले 10 था, एक आदमी छोड़ के चला गया 9। देखो भाई पहले 10% जा रहा दक्षिण अफ्रीका, फिर 10% जा रहा है अमरीका, फिर 10% जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो तीन बार जाएगा ना। तो 10 में से पहली बार गया 9, फिर दूसरी बार 9, तीसरी बार 9, तीन बार गया। पहले अफ्रीका गया, फिर उसके बाद पहले अफ्रीका माइग्रेट करता है, अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में करता है, फिर अमेरिका में करता है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में करता है। तीन बार माइग्रेट कर रहा है, ठीक बात है भाई। लाइक और शेयर दबा के ठोकते जाइए बेटा, बिल्कुल आसान तरीका से कह रहा हूँ। मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चा जी ये कितना आ जाएगा 1000, ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो 729 आ गया, ठीक बात है कि नहीं। ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि एक बार में हो जाएगा मामला। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन पे देखेंगे, ध्यान दीजिए क्वेश्चन की कंडीशन क्या कहती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर द माइग्रेशन, लिख दिया भाई मैंने आफ्टर द माइग्रेशन, ठीक बात है कि नहीं। आफ्टर द माइग्रेशन, माइग्रेट जब करता है छोड़ के जाता है, आफ्टर द माइग्रेशन उसने जो रेशो दे रखा है, ये देखिए उसने रेशो दे रखा है 1:2, 1:2 मेल और फीमेल का रेशो दे रखा है, मेल पॉपुलेशन 1:2, मतलब 2 और 1 कितना हो गया बेटा जी 3 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3 आफ्टर द माइग्रेशन। और मेरे पास कितना है 729, तो 3 भाग किसके बराबर रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 3 भाग रखा है 729 के बराबर रखा है। 3 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 9, 243 बार कटा, कितनी बार कटा बेटा जी 243। तो 243 जनसंख्या एक्चुअल में दे कितनी रखी है, जनसंख्या 364,500, तो भैया 243 भाग कितने के बराबर रखा भैया 364,500, ये जनसंख्या है। तो 1 भाग कितने के बराबर होगा, 1 भाग होगा 243 से बेटा जी, इसको भाग कर दिया जाएगा, काटिए 243 से। हाँ भाई काटो जल्दी से 243 से, इसको कितनी बार कटेगा 243 से, एकम एक बार जाएगा पंजे 1500 जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर 1500 जाएगा, तो सीधा 1500 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने हैं इनिशियल में पॉपुलेशन में कितने हैं 1000, 1000 गुना में कितना हो गया भैया 1 भाग कितने के बराबर हो गया मेरे प्यार बच्चों, 1 भाग ये 1500 के बराबर हो गया, तो 1500 से यहाँ पे गुणा कर दो, 1500 से यहाँ पे गुणा कर दोगे तो ये 15 और कितना 0 आ गया 3 और 2 = 5, 1, 2, 3, 4, 5, 0 कितना हो गया भैया 15 लाख, 15 लाख। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर था 15 लाख। ब्राजील का जनसंख्या उसने पूछा था प्रवास से पूर्व, ब्राजील का जनसंख्या कितना है, हाँ क्वेश्चन है फाइंड द पॉपुलेशन ब्राजील बिफोर द माइग्रेशन, माइग्रेशन से पहले जो ब्राजील की एक्चुअल जनसंख्या थी वो कितनी थी, तो माइग्रेशन से पहले जो ब्राजील की एक्चुअल जनसंख्या वो है 15 लाख, 15 लाख, 5 से कर दिया ना 15, ये 15 लाख आपका बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया शानदार। देखो कुछ भी नहीं है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपने क्या करना है इनिशियल पॉपुलेशन आफ्टर द माइग्रेशन, 10 में से 1 गया 9, 729, रेशो 1 और 2 दे रखा है, ये देखिए ब्राजील के पूर्व औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या में 1 और 2 का रेशो है, तो भैया 2 1 कितना हो गया 3, माइग्रेशन के बाद कितना यहाँ पे 729, 3 भाग इसके बराबर, 1 भाग कितना 243, एक्चुअल में कितना है जनसंख्या कितना बचा है, जनसंख्या आपका 364,500 औरतें हैं, तो 364,500 के बराबर रखा मैंने, 1 भाग कितने के बराबर आ गया 1500 के, कितने भाग है 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत बढ़िया शानदार। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइप को चेंज करते हैं, लो बेटा टाइप को चेंज कर दिया, बहुत प्यारा और शानदार टाइप है, जल्दी से उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, बहुत प्यारा टाइप को चेंज कर दिया, देखो टाइप को चेंज कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, टाइमर महोदय आ जाए भाई जल्दी से। देखो हम टाइमर के साथ प्रैक्टिस करवाते हैं जिससे कि आपको ये मिले कम से कम आपका जो स्पीड सुधर जाए, कंपटीशन है टाइम मैनेजमेंट, स्पीड के साथ अगर आपका एक बार मैच हो गया आप स्पीड के साथ आंसर देते समझिए सिलेक्शन पक्का है आपका, जल्दी छोड़ाइए, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए स्पीड के साथ एकदम, बहुत बढ़िया शानदार। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। गर्दा। चलिए बेटा स्पीड के साथ क्वेश्चन को किया करो माय डियर, शाबाश। क्वेश्चन कहता है एक विद्यार्थी एक संख्या का 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है तो बताइए परसेंटेज त्रुटि क्या होगी, परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करना है।
गर्दा 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 जय महाकाल। अरे गर्दा मचा दिया, 30 सेकंड से भी पहले उड़ा दिया। शाबाश हीरोज हो भाई, आप जैसा हीरो कोई नहीं है। देखो 5/3 के स्थान पर, ये 5/3 हो गया, 5/3 के स्थान पर कितना कर दिया भैया, 3/5 से गुणा कर दिया। देखो कुछ नहीं करना है इसको, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बता देता हूँ। 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, ठीक बात है। सवाल में ये दिया गर्दा 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 जय महाकाल बोलते जाइए। डिनोमिनेटर का वैल्यू देखिए, डिनोमिनेटर में कितना है, ये 3 है और ये 5 है। 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 5 का एलसीएम आता है 15। 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए 15। 3 और 5 का लघुत्तम हो गया 15, ठीक बात है कि नहीं है। तो मेरे बच्चे 15 से यहाँ पे गुणा कर दो और 15 से यहाँ पे गुणा कर दो, ठीक बात है कि नहीं है। 15 से गुणा कर दिया है, क्लियर है कि नहीं। 15 से गुणा कर दिया बेटा, 3 से काट दो बेटा, 3 × 5 = 15 कटेगा, तो कितना आ गया, 3 × 5 = 15 कटेगा, तो बेटा ये 5 × 5 = 25 आ गया 25, ठीक बात है कि नहीं। 25 हो गया माय डियर, और ये कितना आ गया, 5 × 3 = 15 कितना हो गया, 3 × 3 = 9। हाँ भाई ये 3 × 3 = 9, पहले 25 है और 25 से अब 9 हो गया है, तो कितने का डिफरेंस है भैया, 16 का डिफरेंस है। इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है भैया, डिक्रीज कर रहा है। 25 में से 16 को माइनस करेंगे जभी तो 9 आएगा। अरे 25 में से 16 को माइनस करेंगे जभी तो 9 आएगा, क्लियर है। हाँ भाई अब ये 16 कम किस में से है, 25 में से है। परसेंटेज त्रुटि निकालना है ना, परसेंटेज त्रुटि जो होगी भाई 16 कम है, 25 में 16 घटाएंगे तभी तो 9 आएगा। ये 16 कम है, एक्चुअल किस पे है भैया, 25 पे है। और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या कर दूंगा बेटा जी, 100 कर दूंगा। 25 से काट दीजिए, 25 × 4 = 100 और 16 से काट दूंगा, 16 × 4 = 64। माइनस का 64 का मतलब समझते हो क्या होता है, माइनस का 64 का मतलब है डिक्रीज करेगा, डिक्रीज 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 64% डिक्रीज, हाँ इंक्रीज नहीं आएगा। 25 हाँ कम है, डिक्रीज आएगा, डिक्रीज इंक्रीज नहीं आएगा, डिक्रीज आएगा। हाँ 64 64 64, यस 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 बिल्कुल सही है। देखो पहले 25 था, अब कितना हो गया, 9 हो गया। अब कितना है, ये 16 कम है, तो किस पे कम है, 16 कम 25 पे है। 25/100 कितना हो गया, 16/25 और इंटू में 100 कितना हो गया भैया, 64% बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, क्लियर है क्लियर, बहुत बढ़िया शानदार शानदार मेरे प्यार बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, शाबाश। हाँ यहाँ पे 10 दे रखा है, थोड़ा स्पीड के साथ बनाइए, शाबाश 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 शाबाश। ये यहाँ पे ये है, ओहो 10 है। हाँ भाई करिए क्वेश्चन नंबर 3, सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा उड़ाइए 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 उड़ाइए, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ। शाबाश 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 शाबाश, थोड़ा स्पीड के साथ स्पीड के, लाइक और शेयर ठोकते जाइए महाकाल के आशीर्वाद से। मैंने क्या सिखाया आपको, 7/10 के स्थान पर 10/7 कर देता है, तो भैया परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करें, परसेंटेज त्रुटि को निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ इसमें इंक्रीज डिक्रीज पे नहीं पूछता, इसमें पूछता परसेंटेज एरर, इसमें पूछता परसेंटेज एरर पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से उड़ा दीजिए, 30% से ज़्यादा समय, बिल्कुल समय नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल समय देना व्यर्थ हो जाएगा मेरे प्यार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, गर्दा मचा देना चाहिए था। देखो ये हो गया 7/10 के स्थान पर कितने से गुणा कर देता है, 10/7 से गुणा कर देता है। मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या करना होता है, बस आपको एलसीएम लेना है भाई। ये 7 है 10 है और ये 7 है, इनका एलसीएम लघुत्तम ले लीजिए। इनका लघुत्तम क्या होगा, इनका लघुत्तम होगा यहाँ पे 70 से यहाँ पे गुणा कर दो बेटा जी, 70 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए। 10 से 7 बार जाएगा, 7 से 7 करूंगा तो बेटा जी 49 आ जाएगा, 49 था भैया, 49 से कितना हो गया, 7 से काटूंगा 10, 10 से करूंगा तो भैया ये 10 से कितना आ जाता है, 100 आ जाता है, ठीक बात है। 49 से 100 हो गया भैया, ठीक बात है। हाँ भाई 49 से 100 कितना बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, पहले 49 था अब कितना हो गया 100, तो भैया 51 बढ़ा, ये 51 जो बढ़ रहा है इंक्रीज कर रहा है, जो 49 से 100 कितना बढ़ा बेटा, 51 बढ़ा, 51 बढ़ा, सिंपल सी बात है। 51 किस पे बढ़ा मेरे प्यारे बच्चे, परसेंटेज त्रुटि को निकालना था भाई। 51 जो बढ़ा वो किस पे बढ़ा, 49 पे बढ़ा, और परसेंटेज 51 किस पे बढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, 51 बढ़ा जो वो 49 पे, 49 पे बढ़ रहा है मेरे बच्चों, और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या कर देंगे बेटा जी, 100 कर देंगे परसेंटेज। तो आंसर जो आएगा आपका वो 5100/49, 5100/49%, बिल्कुल एकदम ये 5100/49% बिल्कुल सही। गर्दा 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 गर्दा, शाबाश 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 शाबाश, जय महाकाल बोलते जाइए भैया। देखो 51 जो बढ़ा है वो 49 पे बढ़ा है, और परसेंटेज लिए गुणा में 100 कर दिया, जय महाकाल जी। लाइक और शेयर दबा के ठोकते जाइए, लाइक और शेयर एकदम जो है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अटैक करिए जल्दी से अगले क्वेश्चन को स्पीड के साथ थोड़ा सा। चलो भाई एक विद्यार्थी जल्दी से एक संख्या को 8/15 के स्थान पर 15/8 से गुणा कर देता है, तो परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करिए जल्दी से, फिर टाइप को चेंज करिए, परसेंटेज त्रुटि बताइए, परसेंटेज परसेंटेज 8/15 के स्थान पर, ये हो गया 8/15 के स्थान पर किससे गुणा कर देता, 15/8 से गुणा कर देता, लिख दिया 15/8, ठीक बात है कि नहीं, 15/8 लिख दिया, शाबाश शाबाश शाबाश। एलसीएम ले लो,
15 और 8 का एलसीएम कितना हो जाए, 15 टेक 120, 120 हो गया भैया, 120 यहाँ पे लिख दो, 120 एलसीएम से गुणा करो, दोनों तरफ एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, 15 अट्ठे 120 होता है, 8 के 8 से गुणा किया भैया 64 आ गया, 64 ठीक है, और ये 8 से किया तो 8 एकम 8 और 8 से 8 पंजे 40, 15 225 ये आ गया 225। हाँ भाई ये 64 है, ये 225, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 64 कितना कितना हो रहा है, 100 कितना कितना बट रहा है भैया, 100 हाँ इसमें से 225 में 1 हो गया और 12 में 6 161 इंक्रीज हो रहा है, 164 में 161 को ऐड करेंगे जब ही तो 225 होगा, 64 में 161 को ऐड करेंगे। आपसे पूछा परसेंटेज त्रुटि याद करिए, तो बेटा परसेंटेज त्रुटि को जो निकाला जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये 161 जो बढ़ रहा है ये किस पे बढ़ रहा है, एक्चुअल 64 पे बढ़ रहा है, बटे में 64 को लिख दो और परसेंटेज के लिए बेटा जी गुणा में 100 कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा माय डियर, जल्दी से शाबाश 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 शाबाश। हाँ द राइट आंसर इज 251.56%, बिल्कुल एकदम कैलकुलेट कर लेंगे, पॉइंट में पूछ सकता है 251.6, बहुत बढ़िया शानदार शानदार, गर्दा गर्दा गर्दा, जय महाकाल बोलते जाइए, जय महाकाल बोलते जाइए। बिल्कुल देखिए मैंने क्या कहा, इनका एलसीएम ले लेंगे जो 15 और 8, इसका एलसीएम 120 से यहाँ, 120 से यहाँ, 120 से ये 64 हो गया 25, ये 64 पे कितना बढ़ रहा है भाई, 64 पे 161 बढ़ रहा है, 161 किस पे बढ़ा, 64 पे बढ़ा, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दे, काम खत्म हो गया भैया, क्वेश्चन खत्म, परसेंटेज त्रुटि आ गया। अगला क्वेश्चन लीजिए, थोड़ा स्पीड के साथ बनाइए, थोड़ा स्पीड के साथ, जल्दी से टाइप को चेंज कर दिया, टाइप को चेंज कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, टाइप को चेंज कर दिया, टाइप नया टाइप है, अगला टाइप है, नया टाइप है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये देखिए टाइमर, यदि एक भिन्न, भिन्न का क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि एक भिन्न के अंश को कहता है 200%, मैं मार्क करता जाता हूं, अंश को कहता है 200% बढ़ा दूं और हर को कह रहा है 350% बढ़ा दूं, वृद्धि कर दूं, तो बताइए परिणामिक भिन्न, परिणामिक भिन्न जो होता है वो 5/12 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न बताइए, मूल भिन्न क्या होगा, a/b, जल्दी से स्पीड के साथ एकदम भैया गर्दा। देखिए 30 सेकंड का टाइमर देता हूं, इससे ज्यादा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर भी ठोकते जाइए, शाबाश जय महाकाल बोलते जाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। लो भैया चार ऑप्शन आपके सामने, ये हैं चार ऑप्शन आपके सामने, देख लीजिए ABCD, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए भैया। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया शानदार, इतने देर में क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, बहुत शानदार 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 शानदार, ग्रैंड सलूट लेते जाइए, जय महाकाल बोलते जाइए भैया, इतनी देर में आंसर नहीं बेटा, समय ज्यादा नहीं देंगे, हमें मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होता है, मैं चाहता हूँ ज्यादा ज्यादा प्रश्न आप लोग बनाए मेरे प्यारे बच्चों। देखो माय डियर, इसमें कह रहा है मूल भिन्न, तो जो मूल भिन्न है, बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूँ, देखो आपको मूल भिन्न, ये जो मूल जो भिन्न है, मूल भिन्न जो मैंने मान लिया है वो a/b मान लिया, a/b आपकी मूल भिन्न है। हाँ भाई ठीक है, a/b आपकी मूल भिन्न हो गई, ध्यान से देखिए a/b को मूल भिन्न मान लिया है। हाँ भाई ये ए हो गया और ये बटा में बी हो गया, ध्यान से सुनते जाइए, बड़ा आसान तरीका सिखा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते जाइए, एक ही बार में सॉल्यूशन आ जाएगा। कह रहा है भिन्न में अंश को बढ़ा दिया 200%, 200% मतलब 100% होता है हमारा, 100 में 200 को बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 100 और 200 कितना हो गया 300% ऐड करते चले जाओ, 200% का मतलब है 100 में बढ़ रहा है, 100 में 200 बढ़ा दो, 100 और 200 कितना हो गया 300 हो गया। फिर कह रहा है हर में 350% का वृद्धि, अब देखिए 100 और 350 कितना हो जाएगा बेटा जी 450 लिख दो यहाँ पे, 450% हर में बढ़ रहा है, बराबर जो भिन्न प्राप्त होती है, बराबर जो भिन्न प्राप्त होती है, बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, देखिए बढ़ रहा है तो 100 में प्लस कर दो, घट रहा है तो 100 में से माइनस कर दो, बस इतना होता है, मुंह जवानी कर सकते हैं इन सवालों को आप, मजा आए तो दबा के लाइक शेयर करें। भिन्न होता है 5/12, यहाँ पे लिख दो भिन्न हो रहा है 5/12 प्राप्त हो रहा, बस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लो, आपको निकालना a/b का मान निकालना बेटा, क्वेश्चन यहीं खत्म। देखो बेटा परसेंटेज तो परसेंटेज कट ही जाता है, 0 से 0 कट गया है, 5 से काट दिया मैंने, 5 × 30 होता है, 5 से काट दिया, 5 × 45 होता है। हाँ भाई 3 से काट सकता हूँ मैं, 3 से काट दिया, 3 × 3 9 होता है, 3 से काट दिया, 3 × 4 12 होता है, ठीक बात है कि नहीं। हाँ भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और क्या करेंगे भाई, यहाँ से a/b मेरा क्या मिलेगा, a/b मिल गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ भाई 5 से कर दो, 5 × 3 = 15 आ गया, और 6 से कर दो, 6 × 4 = 24 आ गया, अगर 3 से काटूंगा ये नंबर भी कट जाएगा, ये नंबर भी कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 से काटूंगा 3 × 5 = 15 होता है, 3 से काटूंगा 3 × 8 = 24 होता है, 5/8 बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, किस किस का आया ऑप्शन को भी चेक कर लें, 5/8 ऑप्शन सी आंसर था। हाँ भाई क्लियर है, जय महाकाल जय श्री राम, लाइक और शेयर दबा के, लाइक और शेयर में कंजूस नहीं, कम से कम देखे 1000 लाइक नहीं है, कम से कम 2000 बच्चे और 1000 लाइक नहीं, दबा के ठोके लाइक और शेयर। अगला क्वेश्चन देता हूँ जल्दी से, 5 सवाल कर दिए, क्या जबरदस्त क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से अगले क्वेश्चन में चलिए।
एक टाइप के मैं दो से तीन सवाल लेके आता हूँ आपके लिए, जिससे कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। एक टाइप के दो से तीन सवाल आपके दिमाग में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल करवाऊंगा बेटा, इस बात का याद रखना। एक जैसे क्वेश्चन कभी नहीं करवाता, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ। हाँ भाई, ये लीजिए, टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। सवाल देखिए, एक भिन्न, भिन्न की बात कर रहा है यहाँ पे, देखेंगे एक भिन्न, भिन्न का कह रहा है अंश में 250% बढ़ा दो भैया, 250 का मतलब 350 हो गया, और हर में कह रहा है 400% घटा रहा बढ़ा रहा, इस चीज़ को देखना, ये बढ़ा रहा है तो मतलब 100 में जोड़ दो, 100 में प्लस कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो परिणामिक भिन्न कहता है 5/8 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न बताइए जल्दी से जल्दी। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, मुंह जवानी आप लोग कर सकते हैं, मार्कर चलाने की जरूरत, मुंह जवानी आंसर देना सीखे। शाबाश शाबाश शाबाश, गर्दा मचाइए, शाबाश। देखिए, बिना पेन बिना पेपर के सवाल को डाल सकते हैं, बिना पेन बिना पेपर के नहीं बेटा, इतना समय नहीं देंगे, इतना समय दिया तो फिर क्या फायदा, नहीं बेटा इतना समय नहीं देंगे। देखो, मुंह जवानी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, मैंने अभी आपको समझाया भाई, मूल भिन्न ले लिया ए बटा बी, ठीक बात है ना, ए बटा बी मूल भिन्न ले लिया है। आप देखिए, जैसे जैसे सवाल दे रखा वैसे वैसे करते जाइए। पहले कह रहे 250% बढ़ा दिया, 250, 100 परसेंटेज वैल्यू होती है 100, 100 में 250 को जोड़ दो, कितना हो गया 350% हो गया, ये हो गया भैया 350%, ठीक बात है कि नहीं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है 400%, तो 100 में 400 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 500, हर में बढ़ रहा है, तो बेटा जी ये हो गया 500%, ठीक बात है कि नहीं है। मूल भिन्न कितना प्राप्त हो रहा भाई, मूल भिन्न हो रहा 5/8 प्राप्त, लिख दिया बेटा जी 5/8। ए बटा बी का वैल्यू निकालना था बेटा जी, कितना समय लगेगा ईमानदारी से बताइए, उड़ा दिया होगा बहुत से बच्चों ने तो इतनी देर में, बहुत बढ़िया बेटा। देखो बेटा, 0 से 0 कट गया, 5 से काटूंगा, हाँ 5 से काटूंगा, 5 × 7 = 35 होता है, 5 से काटूंगा, 5 से 10 बार कट रहा है, ठीक बात है कि नहीं। फिर काट देता हूँ, और 2 से 2 × 5 = 10 कट जाता है, और 2 से 2 = 8 कट जाता है, क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ए बटा बी का मुझे वैल्यू निकालना था, तो भैया 5 का करूँगा तो 5 × 5 = 25 होता है, और 7 की गुणा करूँगा तो 7 × 4 = 28 होता है, 25/28 ऑप्शन देख लीजिए, अगर कोई है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिख रहा है मुझे, तो मेरे हिसाब से 25/28 आपका ऑप्शन है मुझे दिख रहा है, बिल्कुल सही आंसर है 25/28। जय महाकाल, जय श्री राम बोल दो एक बार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, मुंह जवानी बिल्कुल एकदम क्वेश्चन हो जाएगा, कोई नहीं है भाई। देखो, अंश में बढ़ रहा है, ये न्यूमरेटर, इसको अंश बोलते हैं, अंश में कितना बढ़ा है, ऊपर अंश होता है नीचे बेटा जी हर होता है, सिंपल सी बात है, अंश में बढ़ा है कितना 250, तो 100 में 250 जोड़ दो कितना हो जाएगा 350, हर में कितना बढ़ा 400, 100 में 400 जोड़ दो जी कितना हो जाएगा 500, बराबर 5/8 क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जय महाकाल, जय श्री राम बोल दो भैया, शाबाश 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 शाबाश। अगला क्वेश्चन उड़ाइए, अगला क्वेश्चन उड़ाइए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से, यदि किसी भिन्न का आंसर हर से 4 कम है, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो, और ये टाइमर ले लीजिए भाई। हाँ, अंश हर जो है, अंश जो हर से 4 कम है, अंश में 32% बढ़ा दो, और हर में 75% की वृद्धि कर दी, अंश में 32% की, हर में 75% की वृद्धि कर दी। अब जो परिणाम भिन्न हो रहा है वो 12% हो रहा है, तो बताइए प्रारंभिक भिन्न कितना था, बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसके बाद टाइप को चेंज करेंगे, नया टाइप आ जाएगा, बहुत बढ़िया शानदार 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 शानदार। भाई मज़ा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर, लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं बेटा, ऐसा नहीं, मज़ा नहीं आएगा, दबा के लाइक और शेयर भैया, शाबाश शाबाश। हाँ हाँ, लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं चलेगा बेटा, शाबाश 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 शाबाश। जय श्री राम बोलते जाइए, लाइक और शेयर करते जाइए, इतना समय मत लीजिए बेटा, क्वेश्चन को मुंह जवानी बनाना सीख लीजिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को मुंह जवानी बनाना सीख लीजिए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो भाई, ध्यान दीजिए इस बात पर, किसी भिन्न का आंश, देखो भिन्न जो है सवाल में कहता है कि प्रारंभिक भिन्न क्या है, तो a बटा बी, मैंने भिन्न को मान लिया a बटा बी, अंश हो गया a और हर हो गया। अब देखिए ध्यान से सुनते जाइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सवाल के अंदर कहता है, ये कहता है अंश में 32% बढ़ गया, अब 100 में 32 बढ़ा दो, 100 होता है परसेंटेज वैल्यू 100 है, 100 में 32 बढ़ा दीजिए, 100 में 32 बढ़ा दिया तो कितना हो गया भैया 132% हो गया, लिख दिया भैया। फिर कह रहा हर, नीचे का जो वैल्यू होता है वो हर होता है, ये अंश होता है बेटा, देखो ये अंश होता है, ऊपर का जो वैल्यू, ये अंश बटे में हर ऐसे लिखा जाता है, अंश को हमेशा ऊपर रखा जाता है, हर को हमेशा नीचे, अंश ऊपर हर हमेशा नीचे होता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर कहता है हर में 75% की वृद्धि, भाई लाइक और शेयर करते जाइए, 75% की वृद्धि कर दी, भाई लाइक ठोकी दबा के महाकाल के आशीर्वाद से, लाइक में कंजूसी नहीं चलेगा यार, ऐसे मजा नहीं आएगा, दबा के लाइक ठोक दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से।
अब जो भिन्न है वो 12/25, भिन्न जो प्राप्त हो रही है वो 12/25 प्राप्त हो रही है। बस अब इसको कैलकुलेट करना था बेटा, अब सवाल के अंदर जान नहीं थी, अब इसको कैलकुलेट करना था। देखो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ गया, उड़ा दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिलेशन हो जाता है। जय महाकाल, जय श्री राम बोल दो भैया, मजा आ रहा तो जाओ। हाँ भाई, अब दो से इसको काटिए, दो से काट सकते हैं, या 12 से कट रहा है, 12 x 12 से सीधा कट रहा है यार ये, 12 x 12, 12 x 12 कट रहा है, 12 x 12 11 बार चला गया, 12 से 11 बार चला गया। 25 से काट दो, और 25 से ये पूरा जा रहा है, 25 75 जा रहा, सीधी सी बात है 25 75 हो गया, 25 से पूरा पूरा जा रहा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भैया क्या आ जाएगा, a/b बराबर कितना आ रहा है भैया, 3/11 3/11 आ रहा बेटा, 3/11 है, 3/11 3/11 ऑप्शन देख लीजिए, 7 25 3/11 आएगा, 3/11 3/11 एकदम जो है। अच्छा 175, ओ हो रुक जाइए, ओ हो हाँ 75% का मतलब क्या हुआ, मिस्टेक हो गया, 75% का मतलब क्या हुआ, रुक जाइए, 75% का मतलब होता है भैया 100 में 75 बढ़ेगा ना, 100% है, 100% में 75 को ऐड कर दीजिए भैया, कितना हो गया, 175% हो गया। ओके माय डियर, 175%, ठीक है 175% हो गया। तो ये हो जाएगा, ओहो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ये ए बटा बेटा जी बी हो गया, ठीक है, पहले बढ़ रहा है आपका 132 और फिर बढ़ रहा है 175 हो जाएगा, 75% बढ़ रहा है, बराबर कितना हो जाता है बेटा, कितना प्राप्त होता है आपका, 12/25 होता है, 12/25 होता है, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ भाई, 75 का मतलब कितना हो गया, 100 में बढ़ेगा, 100 में बढ़ेगा, सीधी सी बात है, 12 से काटा, 12 से 12 कम 12 है, 12 कम 12 11 बार कटा, 25 से काटा, 25 7 हाँ, आप क्रॉस ए अपॉन बी का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे डायगनली गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक है ठीक है, 7 से गुणा करेंगे तो ऊपर 7 आएगा, 11 से नीचे गुणा करेंगे 11, तो 7/11 ये करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया था, 7/11 आपका बिल्कुल सही आंसर था। जय महाकाल, जय श्री राम बोलते जाइए, बहुत बढ़िया शानदार। लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं, दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए, गर्दा मचना चाहिए भैया, हाँ दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, कम से कम 2000 दिख जाना चाहिए, 2000 कम से कम लाइक हो जाना चाहिए था, शाबाश। अगले क्वेश्चन पे चलिए, शाबाश। टाइप को चेंज कर दिया, टाइप चेंज है भाई, टाइप को चेंज कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, टाइप को चेंज कर दिया, देखिए टाइप चेंज है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे कि कुल खर्च स्थिर रहे, टाइप को चेंज कर दिया, टाइमर यहां पे लगा दिया है। आइए कंप्यूटर महोदय, थोड़ा टाइमर के साथ करेंगे, थोड़ा टाइमर के साथ देखिए, खपत पे क्वेश्चन आता है, कंजप्शन में कंजप्शन पे क्वेश्चन आता है, मैंने स्टार्टिंग में ये कंसेप्ट आपको समझाया था, कंजप्शन को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइक और शेयर दबा के ठोकते जाइए, अगर मजा आ रहा तो शाबाश। जय महाकाल, जय श्री राम बोलते जाइए, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया शानदार लाइक में कमी नहीं यार, कम से कम दबा के लाइक और शेयर करिए, शाबाश। पसीना बहाना पड़ेगा बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी देर में मुझ जवानी आंसर आ जाएगा। हाँ क्वेश्चन में कह रहा है तो बताइए, चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे कि कुल खर्च रहे, परसेंटेज कितना परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन विल डिक्रीज, जिससे कि कंजप्शन डिक्रीज हो जाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बहुत शानदार इसका ट्रिक सिखाया था आपको, मुंह जवानी देखिए। हाँ भाई, परसेंटेज कमी की बात करा, देखो सबसे पहले देखो 100 25% बढ़ता है तो भैया 100 है, परसेंटेज वैल्यू में लेता हूँ 100, 100 पे कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया भाई, 25 बढ़ गया तो 100 पे कितना हो जाएगा, 125 भाई, 100 पे 25 बढ़ गया, 25 बढ़ रहा है तो 100 पे 25 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 25 बढ़ रहा है तो भैया कितना हो जाएगा, 125, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ भाई ध्यान से देखेंगे इस बात को, अब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान से देखेंगे, देखो 100 पे भैया 25 बढ़ा, ये देखिए मैं यहाँ समझा देता हूँ, आप इस बात को समझेंगे, जब 100 में मैं 25 बढ़ाऊंगा तभी तो 125 होगा, जब 100 में 25 बढ़ेगा तभी तो 125 होगा, ठीक बात है कि नहीं। दूसरी बात फिर समझिए, अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जब 125 में से मैं 25 को कम करूँगा, देखो 100 में 25 को जोड़ा तो 125 और 125 में से 25 को माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब बस सवाल पे कंसंट्रेशन करना है आपने, बस इस लाइन को पढ़ना है, देखो लाइन क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ, कुछ नहीं है,
एक रहा आन जो पूछ रहा है, एक रहा परसेंटेज की कमी। देखो मैं लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा, इन बातों को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन देखिए, परसेंटेज की कमी कुछ भी नहीं है, इतना बेहतरीन तरीका सिखा रहा हूँ, मुंह जवानी आंसर देना सीख जाओगे, मुंह जवानी, मजा आए तो दबा के लाइक सुना। कह रहा परसेंटेज की कमी, मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज की कमी, परसेंटेज की कमी, ठीक है। कमी कहाँ लग रहा है, माइनस का साइन, कमी का मतलब माइनस होता है, तो ये 25। अब जो ये 25 की जो कमी हो रही है भाई, किस में से, 125 पे ही तो कमी है, 125 में से 25 को माइनस करूंगा तभी तो 100 आएगा, तो कमी किस पे हो रही है बेटा, कमी 125 पे हो रही है, तो बटे में क्या लिखोगे, 125 बटे में क्या लिखोगे, 125 भाई, कमी किस पे हो रही है, 125 पे हो रही है। और परसेंटेज, परसेंटेज पे कमी कह रहा है, तो परसेंटेज के लिए क्या करोगे बेटा, परसेंटेज के लिए क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज के लिए क्या करोगे, गुणा में 100 कर दोगे, 100 कर दोगे, तो 25 से काटा, 25 पंजे 125 होता है, 5 से काट दिया, 5 से काट दिया भैया, 5 दूनी 10, 20% क्या कर जाएगा भैया, डिक्रीज कर जाएगा, कितनी कमी हो गई भैया, 20% का कमी हो गया। इसमें दो बातें आती है भाई, लाइक और से देखो, अगर वो परसेंटेज की कमी की जगह वो कह रहा है बढ़त की बात करता, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर वो बढ़त की बात करता, छान ये परसेंटेज में कमी की जगह परसेंटेज में बढ़त हो रहा है, तो बढ़त की अगर बात करेगा तो बढ़त, बढ़त देखिए 25, फिर 25 को लेते, 25 को लेते, अब भी 25 को लिया है, तब भी 25 को लेते, बढ़ किस पर, 25। अब 25 जो बढ़ रहा है वो किस पे बढ़ रहा है, अब देखिए बढ़ रहा है 100 पे और घट रहा है 125 पे, बात समझ, 100 पे बढ़ेगा, 125 पे कम होगा, 125 पे कम होगा और 100 पे हमेशा बढ़ेगा, 100 से बढ़ेगा तभी से 125 होगा, तो 25, अब देखिए अगर बढ़ने की बात करें, बढ़त की बात करें, तो 25 जो बढ़ा है वो किस पे बढ़ा है, 100 पे, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दीजिए, 25 चौका 100 होता है, 4 से काट दूंगा, 4 दूना 25% इंक्रीज करेगा, दो ही क्वेश्चन में बातें पूछेगा, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, दोनों बातें, या इंक्रीज करेगा, आपसे क्वेश्चन में कमी के बारे में पूछा तो आंसर 20%, अगर बढ़त के बारे में पूछता तो आंसर क्या होता, 25%, सीधी सी बात है कि नहीं है। जय महाकाल, जय श्री राम, बोल दीजिए भैया, अगला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाई, लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, लीजिए भैया क्वेश्चन नंबर, देखो सूरत टेक्निक मैंने आपको बेहतरीन सिखा दिया भैया, अच्छा लगे तो दबा के लाइक कर दीजिए एक बार थोड़ा सा भाई, ये लीजिए अब टाइमर महोदय, अब आप लोग करके दिखाइए सवाल को, पढ़िए, चीनी के मूल्य में 20% घटता है, अब की बार कह रहा 20% घट रहा है, उसकी खपत में, उसकी खपत को कितना बढ़ाया जाए, इस बात पे गौर करना, उसकी खपत को, अब की बार बढ़ाने की बात कर रहा है, कितना बढ़ाया जाए जिससे कि कुल खर्च में 10% की कमी हो। अच्छा एक बात और कह रहा है यहाँ पे, कुल खर्च में 10%, एक स्टेटमेंट और दे दिया इसने, कुल खर्च में जो है 10% की कमी, 10% की कमी हो, अब ये देखना है किस पे बढ़ा, ये देखना किस, भाई मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर कर दो, बहुत शानदार ट्रिक सिखाऊंगा भाई, मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, शाबाश शाबाश शाबाश, दबा के लाइक और शेयर, दबा के लाइक और शेयर, जय महाकाल बोल दीजिए, गर्दा गर्दा मचना चाहिए भाई, इतना समय मत लीजिए, आपको मैं जो शानदार ट्रिक सिखा रहा हूँ उससे बढ़िया ट्रिक नहीं मिलेगा, देखो बेटा, हाँ भाई टोटल को मान लीजिए, टोटल को 100 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, टोटल को कितना मान लिया बेटा मैंने, 100 टोटल हमको, हमने टोटल को भैया हमने 100 मान लिया है, ठीक बात है कि नहीं, टोटल को हमने 100 ले लिया, बात को समझिए, बड़ा प्यारा कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, मजा आए तो दबा के लाइक करें शेयर करें भैया, देखो पहली स्टेटमेंट दे रहा है, पहली कह रहा है 20% घटता है, मैं यहाँ अंडरलाइन करता जाता हूँ, ध्यान से समझिए, ऐसे समझना होता है, 20% घटता है, 20% कम, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस का 20%, ठीक बात है कि नहीं, माइनस का 20%, फिर कहता है 10% की कमी, यहाँ 10% की कमी हो रही है, तो माइनस का यहाँ पे 10% लिख दिया, ठीक बात है कि नहीं, टोटल ले लेते हैं भैया, ये टोटल है, ये टोटल हो गया, ये आपका टोटल है कुल, ये टोटल हो गया भैया आपका 100%, टोटल 100% ले लिया, बहुत शानदार ट्रिक सिखा रहा हूँ, मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर जरूर करना, अरे 100 में से 20% निकाल दो कितना बचेगा, 80% बचेगा कि नहीं बचेगा, 100 में से निकाल दिया 20 तो कितना बचा, 80% परसेंटेज, परसेंटेज कट जाएगा, 100 में से 10 निकाल दीजिए कितना बचेगा भैया, 90% से परसेंटेज कट जाएगी, सीधी सी बात है, कितना बचा भैया ये 80 और ये कितना बचा बेटा जी 90 बचा, ये 80 और ये 90, मजा आए तो भैया दबा के लाइक और शेयर कर देना, जय महाकाल बोल देना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये 80 90। अब ध्यान से देखिए सवाल के अंदर जो पूछ रहा है इस बात पे ध्यान देना है, सवाल में जो उसने पूछा है उसी हिसाब से क्वेश्चन किए जाते हैं, सवाल में वो पूछ क्या रहा है, वो सवाल में पूछ रहा है कितनी परसेंटेज बढ़ाई जाए, बढ़ाई जाए कितना परसेंटेज बढ़ाई जाए, परसेंटेज को बढ़ाना है, तो हम ये देख रहे हैं हमारा 80 पे, जब 80 पे मैं 10 बढ़ाऊंगा, जब 80 पे मैं 10 को बढ़ाऊंगा तब क्या होगा भैया, 90 होगा, अरे 80% में 10% को बढ़ाया तो 90% हो गया, सिंपल सी बात है कि नहीं, 90% हो गया,
तो सवाल में यही पूछ लिया है भाई कितना परसेंट बढ़ाया जाए, तो परसेंटेज में बढ़त की बात करता है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा लगे तो भैया लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं करने का भाई, परसेंटेज में बढ़त की बात करता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात की परसेंटेज बढ़त। अब जो ये 10 जो बच्चा ये 10 बढ़ा, ये 10 एक्चुअल में किस पे बढ़ा, अरे 10 जो बढ़ा वो एक्चुअल में जो 10 जो बढ़ रहा है वो एक्चुअल में किस पे बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो 80 पे बढ़ रहा है। और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या हो रहा है भैया, 100 हो रहा है, परसेंटेज गुणा में 100 हो रहा है, 0 से 0 कट गया है भाई, 0 से 0 कट गया है मेरे प्यारे बच्चों। 4 से काट दूंगा तो 4 × 2 = 8 होता है, 4 × 5 = 20 होता है, 4 से काट दूंगा भैया 4 × 2 = 8 होता है, 2 से भाग करूंगा तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 12.5% आ रहा है, 12.5% बिल्कुल करेक्ट आंसर लग रहा है मुझे तो, बाकी आप अपना चेक करें भैया, 12.5% इज द राइट आंसर। हाँ भाई जय महाकाल जय श्री राम बोल दीजिए एक बार, दबा के लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं चलेगा बेटा, लाइक और शेयर में कंजूसी, दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए एकदम जो है। हाँ गर्दा जय महाकाल, आला रे आला धांसू सर आला एकदम जो है, ऐसा ऐसा हमारा बच्चा नौजवान बच्चा ऐसा ऐसा नहीं है बेटा, गर्दा उड़ाता है गर्दा, जलवा होना चाहिए हमारे विद्यार्थी का। देखिए मैंने क्या सिखाया, टोटल को 100% ले लिया, पहले 20% कम करो 80 हो गया, 10% कम किया 90 हो गया, अब ये देखा 10, अगर वो कहता है बढ़त की जगह यहाँ पे कहता है परसेंटेज में कमी, मैं फिर आपको सिखा रहा हूँ इस बात को ध्यान से सुन लेना, अगर वो कमी की बात करता जैसे यहाँ पे बढ़त लिखा हुआ है बढ़ाया जाए तो वहाँ पे पुस्तक कमी की बात करता, तो कमी किसमें से देखो कमी कमी की बात करता तो 90 में से 10 कम कर देंगे, 90 में से 10 कम कर देंगे 80 हो जाएगा, 10 किस पे कम हो रहा है कमी की बात करें तो 90 पे हो रहा है और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दिया। इन बातों को याद रखना, बढ़ किस पे रहा है, जिस वैल्यू पे बढ़ेगा डिनोमिनेटर में उस वैल्यू को रखा जाता है, जिस वैल्यू पे घटेगा डिनोमिनेटर में उस वैल्यू को रखा, कमी होगी 90 पे बढ़ेगा 80 पे, 80 में 10 जोड़ेंगे तभी तो 90 होगा, 90 में से 10 को घटाया जाएगा तब कितना होगा, तो बस ये चीज पे कॉन्सेंट्रेशन करना है, ठीक बात है कि नहीं। चलो भैया अगला क्वेश्चन लीजिए, शाबाश शाबाश जय महाकाल जय श्री राम बोलते जाइए भैया, लाइक और शेयर में कंजूसी चल रहा है अभी, दबा के लाइक और शेयर करिए भैया, आपके लिए रेगुलर क्लास लेके आता हूँ भैया, देखो आपके लिए रेगुलर क्लास है और इस शनिवार को महामैराथन जो है, अब शनिवार को आपकी महामैराथन है, मिक्सचर और एलिगेशन, मिश्रण और मिक्सचर और एलिगेशन पे है, बहुत शानदार मैराथन है, जल्दी से लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं, अगला क्वेश्चन लीजिए, बहुत बढ़िया टाइमर लगा देता हूँ, टाइमर ले लीजिए भैया जय महाकाल बोलते जाइए, टाइमर लीजिए मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करें। चीनी के मूल्य में 25% घटता है, उसकी खपत कितनी परसेंट बढ़ाई जाए, देखो ये मार्क कर दिया है, कितना परसेंट बढ़ाई जाए जिससे कि कुल खर्च में 13% की कमी आ जाए, 13% की कमी आ जाए, चलो भाई जल्दी से उड़ा दीजिए, शाबाश 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 बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश शाबाश शानदार शानदार जय महाकाल जय श्री राम जय महाकाल, दबा के लाइक और शेयर करते जाइए भाई, लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं, मजा जब ही जब दबा के लाइक और शेयर किया जाए भाई, तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ भाई, लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं चलेगा बेटा, जो है अभी कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाया बेटा, जो है कम से कम 2000 हो जाना चाहिए था बेटा अब तक जो है। शाबाश 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 जय श्री राम बोल दो भैया, आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, जय महाकाल। और आपके लिए जो बैच में लेकर आया हूँ प्लस पे 20 तारीख से वो बैच स्टार्ट हो जाएगा, परसों से बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी प्लस पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो बच्चा एसएससी बैंकिंग का तैयारी कर रहा है उस बैच को ले सकता है मेरे प्यारे बच्चों। आला रे आला धांसू सर आला शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैंने बहुत शानदार ट्रिक सिखाई, अगर मजा आए तो भाई दबा के लाइक और शेयर में देरी मत करिए, ऐसा ट्रिक आपको जो है कहीं नहीं मिलेगा माय डियर। देखो मैंने आपसे कहा टोटल को 100%, टोटल जो होता है हम 100 मान लेते हैं, टोटल को 100, टोटल को भैया हमने 100 मान लिया, ठीक बात है कि नहीं, टोटल को हमने 100 ले लिया। हाँ भाई टोटल को हमने क्या ले लिया मेरे बच्चों, 100 ले लिया, ऐसे लिखो टोटल को 100 ले लिया ऐसे ही, ठीक है ठीक है, ओहो टोटल को हमने 100 ले लिया है, चलो ये ठीक है, टोटल को 100 ले लिया। आप ध्यान से देखते जाइए पहले सवाल में क्या कह रहा है, पहले सवाल पढ़िए, पहला 25% घटता है -25% लिख दो भैया, 25% घट रहा है माइनस का 25%, फिर कह रहा है खपत में 25% घट रहा है, फिर कह रहा है 13% की कमी, तो माइनस का 13%, 25% का 100 में से 25, ये 100% 100% ले लिया, 100 में से निकाल दिया कितना बच्चा भैया 75, ये 75 बच्चा मेरे प्यारे बच्चों, और 13 100 में से 13 को निकाल देंगे कितना बचेगा भैया 87,
100 में से 13 को निकाल देंगे, कितना बचेगा? 87। क्लियर है कि नहीं है? 87। बहुत बढ़िया, जय सियाराम जय महाकाल बोलते जाइए। बहुत शानदार ट्रिक सिखा रहा हूँ, इससे शानदार ट्रिक नहीं सिखा सकता मेरे प्यारे बच्चों। अब ये देखिए टोटल जो बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब सवाल में उसने कहा है, देखो इस लाइन को पढ़ो, कितनी परसेंटेज बढ़ाई जाए, बढ़ाने की बात कर रहा है। तो 75 में कितना बढ़ा भैया? 75 में अगर हम 12 को ऐड करेंगे, 75 में अगर मैं 12 जोड़ दूंगा तो 87 हो जाएगा। 75 में 12 को जोड़ा गया तो 87 हो गया। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझिए, जब मैं 75 में 12 को ऐड करूंगा तो 87 बन जाएगा। और सवाल में वही कह रहा है कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए।